धनिया और हरी मिर्च डाल दें। बस अब हम लोगों ने इसको 5 मिनट ही पकाना है और उसके बाद इसको हम रोटी शॉर्ट करते हैं। ये देखें क्रीमी जोन सा हमारा मिल्की चिकन है, बिल्कुल तैयार हो गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सब लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज हम आप लोगों के सामने एक बहुत ही मज़ेदार चिकन की रेसिपी लेकर आए हैं और इस रेसिपी के बाद आप लोग कोरमा कढ़ाही सब कुछ जो है चिकन के वो भूल जाएंगे। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। तो आप लोगों ने पूरी वीडियो देखनी है और अगर हमारे चैनल के आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया या आप लोग हमारे चैनल पर नहीं है तो जैसे हमारे चैनल के साथ जुड़ जाए और हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें, इस तरह हमारी हौसला ज़ाई होती है। और चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो हम लोग सबसे पहले एक कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई के अंदर हम लोगों ने 1 कप मीठा दूध शामिल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने इस दूध को अच्छे से जो सा है वो पका लेना है और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग चिकन की कौन सी रेसिपी तैयार करने जा रहे हैं। आई होप कि आपको ये जो चिकन की रेसिपी है बहुत पसंद आएगी और इसके बाद आप सारे चिकन की रेसिपियों को भूल जाएंगे और इसी को ही हर रोज़ बनाएंगे। आधे घंटे या 15 मिनट जितनी देर के अगर आप ज़्यादा चिकन यूज़ कर रहे हैं तो फिर ज़्यादा ही बार उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। ये तो आपको 10 मिनट के लिए पकाएं और फिर 10 मिनट के बाद आपको दोबारा पका तो हम लोग इसको ढककर रख लेंगे। ये तो व्यूअर्स, अब हम लोगों ने थोड़ी देर चिकन को पका लिया है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इस स्टेज पर हम लोगों ने आप लोग देख सकते हैं कि तकरीबन 10 मिनट हो गए, दूध भी पक रहा है। हम लोगों ने एक जो है बड़े साइज का प्याज बारीक बारीक चॉप करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके अंदर शामिल कर देना है। बिल्कुल भी आप लोगों ने परेशान नहीं होना प्याज के वजह से कि प्याज गलेगा कि नहीं गलेगा। बिल्कुल ये क्रीमी सा जो होता है वो प्याज इसके अंदर हो जाएगा क्रीमी सा और जो हमारा चिकन है वो तैयार होगा। तो अब हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने इसको 10 मिनट पकाना है। 10 से 12 मिनट हम लोगों ने पकाने के बाद फिर इस रेसिपी को जो हम लोग चिकन मिर्च मसाला तैयार कर रहे हैं आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक किया है, आपको पसंद आ रहा है कि जो मैं चिकन की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो ये तो देखते हैं कि क्या सूरत हाल है चिकन की, ये देखें। अच्छा, अब इस स्टेज पे आप लोगों ने जो सा है ना वो फ्लेम को बंद कर देना है और अब इसके दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं क्योंकि जो सा देखिए दूध काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है और हम लोग आज मिल्की चिकन मसाला बना रहे हैं तो अब हम लोग इसे दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। तो फिर हम लोगों ने एक पैन लेना है, इसके अंदर हम लोगों ने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये ठीक है। अब हम लोगों ने क्योंकि हमारा जो सा चिकन है वो वाइट है तो हम इसके अंदर 1 चम्मच जो सा लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के ना इसको हम लोगों ने थोड़ा सा लाइट कलर देना, ज़्यादा नहीं आप लोगों ने कलर देना, थोड़ा सा ना उसका कलर आप लोगों ने चेंज कर लेना इतना कि इसके अंदर जो है वो खुशबू आ जाए। हम लोग ये डाल के इसको पकाते हैं और आपको दिखाते हैं। तो व्यूअर्स, ये देखिए माशाल्लाह खुशबू बहुत प्यारी, जब तक आपकी खुशबू इसकी ना आने शुरू हो तब तक आप लोगों ने इसको मतलब पकाना है अच्छे से। देखिए कलर इसका चेंज हो गया है। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इसको जब लोग चिकन तैयार किया उसके अंदर डालना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है, अच्छे से इस चीज़ों को हम लोगों ने मिक्स कर लेना है। ये तो व्यूअर्स, अब आप देख सकते हैं कि इस स्टेज पे ये देखें पानी हम लोगों ने बिल्कुल जो सा है इसका रिड्यूस करना है। खुशबू माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। अब हम लोग चलते हैं इसके स्पाइसेस की तरफ। तो हम लोगों ने जो सा है 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा, 1/2 टेबल स्पून हम लोगों ने सूखा धनिया, हम लोगों ने इसके अंदर पीसी भी लाल मिर्च नहीं डाली क्योंकि हमारी रेसिपी वाइट चिकन की है तो उससे कलर इसका ख़राब हो जाएगा, इसलिए हम लोगों ने इसके अंदर जो सी है ये कुटी हुई मिर्च शामिल करनी है। और हम लोगों ने वाइट पेपर यूज़ करना है, हम लोगों ने कोई भी मतलब ऐसा स्पाइस यूज़ नहीं करना, लाइक मतलब हम लोगों ने भी हल्दी यूज़ नहीं करनी इसके अंदर, पीसी हुई लाल मिर्च यूज़ नहीं करनी जिससे इसका कलर ख़राब हो। ये भी मैंने 1/2 टेबल स्पून ऐड किया। अब इन तमाम सब चीज़ों को अच्छे से हिला लेते हैं और नमक आप लोगों ने हंसबे ज़रूरत शामिल करना है तो नमक भी मैं इसके अंदर शामिल कर। नमक हम लोगों ने शामिल कर दिया। तो आप लोगों ने इसको तब तक पकाना है जब तक इसका पानी जो रिड्यूस नहीं हो जाता।
इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदारी कढ़ाई हमारी तैयार होने वाली है। चिकन मिल्क मसाला जो हम लोग बना रहे हैं उसका पानी रिड्यूस करते हैं, आपको दिखाते हैं। ये तो व्यूअर्स अब देखते हैं हम लोग, ये रेसिपी हमारी तैयार हो गई है। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखो कितना प्यारा ज़बरदस्त इसका लुक आ गया है और इसके साइडों पे घी भी आ गया है। इसकी निशानी इस स्टेज पे हम जो सी फ्लेम है वो तेज कर देते हैं। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। और अब मैं इसमें धनिया और हरी मिर्च डाल दें माशाल्लाह। ये देखें बस अब हम लोगों ने इसको 5 मिनट ही पकाना है और उसके बाद इसको हम डिश आउट करते हैं। ये देखें क्रीमी जोन सा हमारा मिल्की चिकन है बिल्कुल तैयार हो गया है, प्याज बिल्कुल गल गए हैं और एक ग्रेवी सी जोन सी है वो वाइट सी बन गई है। हम लोगों ने हल्दी और लाल मिर्च बिल्कुल पाउडर वाली यूज़ नहीं करनी क्योंकि इससे इसका कलर जोन सा है वो चेंज हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग 5 मिनट के बाद डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। जी तो व्यूअर्स अब देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा ये जोन सा है हमारा चिकन हो गया है तैयार। इसको मैं डिश आउट कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो आई होप कि आपको जो सी आज की रेसिपी है हमारी जो हम लोगों ने मिल्क चिकन की शेयर की आप लोग के साथ पसंद आएगी आप लोगों को, तो आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है बहुत मज़ेदार। अब आप लोग जब ये रेसिपी बनाएंगे तो बाकी जितनी भी चिकन की रेसिपीज़ हैं हम सबको भूल जाएंगे। चिकन बिल्कुल गल गया है, खुशबू माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आ रही है। देखें कलर इसका बिल्कुल वाइट है क्योंकि हम लोगों ने कोई भी जो से लाल मिर्च है वो यूज़ नहीं की। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त, और चिकन भी गल गया है और ग्रेवी भी इसकी है और घी भी साइड पे आ गया है। तो उम्मीद करता हूं कि व्यूअर्स आज की जो सी रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें क्योंकि आप लोगों के एक लाइक से हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी और हमें इतनी गर्मी में जो मेहनत करनी पड़ती है वो मेहनत का फल हमें मिल जाएगा। तो व्यूअर्स लेते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआ गो रेसिपी को ट्राई करें और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।